वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, सेक्शन 115 BBDA चेंजेस हुए। अब एक बार पहले 115 BBDA है क्या वो बता देते हैं। ये बेसिकली मार है किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स के ऊपर। बोला कौन सा शेयर होल्डर्स के ऊपर? बोला वो शेयर होल्डर हु आर शेयर होल्डर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। बोला डोमेस्टिक कंपनीज से उनको क्या मिलता है, उस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। अब आप सोच के देखिए, एक डोमेस्टिक कंपनी पहले पैसा कमाता है, उसके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स देता है, उसके बाद वो जब डिविडेंड देता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देता है, जिसके कारण शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट था। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रफली 19% है। और मान लीजिए वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो उसके हैंड में एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट कहती थी या ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इनकम टैक्स ये है कि इनकम इज इनकम, दैट हैज टू बी टैक्स, उसको छोड़ नहीं सकते। जब ये ओरिजिनली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आया था तो गवर्नमेंट ने ये लॉजिक लगाया था कि किसी एक से टैक्स लेना है, या तो शेयर होल्डर से ले ले या कंपनी से ले ले, दैट इज अ काइंड ऑफ रिवर्स चार्ज। तो शेयर होल्डर को छोड़ देते हैं, इसीलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 इंट्रोड्यूस किया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज दैट इज डोमेस्टिक कंपनीज एग्जेम्प्ट। और एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ था, डिविडेंड विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115 ओ शैल बी एग्जेम्प्ट। और 115 ओ में कौन सा डिविडेंड कवर हुआ? जो डोमेस्टिक कंपनी वाला था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने चेंज किया। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि एक हैंड में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन आप देखो 20% कंपनी दे रही है, अगर इंडिविजुअल 30% से ऊपर के ब्रैकेट में है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमें कम से कम 30% मिलना चाहिए था, 20% मिल रहा है तो वो 10% हमें और चाहिए। तो ये आया 115 BBDA। गवर्नमेंट ने कहा कि सर 30% कम से कम चाहिए, तो बढ़ा देते 115 का रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देते, लेकिन एक और सेक्शन लेके आ गए जो हमें पढ़ना पड़ रहा है और हमें पढ़ाना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। और जब ओरिजिनली आया था तो ये कहा था कि रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF को एप्लीकेबल है और शायद फर्म भी था। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म को एप्लीकेबल है, लेकिन अब चेंजेस आ गए। बोला नहीं 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 सर, ये तो गड़बड़ हो गया, इंडिविजुअल HUF फर्म नहीं, स्पेसिफाइड पर्सन को एप्लीकेबल करेंगे अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज और ट्रस्ट, एनजीओ टाइप के जो रजिस्टर्ड है, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स। अगर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट अगर ये शेयर होल्डर है, डोमेस्टिक कंपनी ही शेयर होल्डर है तो इसको छोड़ के, तो इसका मतलब कौन कवर्ड होगा? इंडिविजुअल, HUF फर्म, LLP, AOP, BUI, AJP, तमाम लोग कवर्ड होगा। एक ही कंडीशन, दे शुड बी रेसिडेंट। और ये रेसिडेंट किससे डिविडेंड अर्न कर रहे हो, यानी कि ये किसके शेयर होल्डर हो? डोमेस्टिक कंपनी के शेयर होल्डर हो। और सर आपने एक बात बताई कि एवरेजिंग करना है, तो एवरेजिंग कैसे होगा? तो इन्होंने कह दिया कि एक्सीडिंग टेन लाख उस पर 10% फ्लैट टैक्स लगेगा, उसके ऊपर 10% फ्लैट टैक्स लगेगा एक्सीडिंग 10 लाख पे। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जैसे ही 10 लाख रुपए से एक्सीड कर गया तो 10 लाख रुपया से ऊपर जितना भी, यानी कि होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल एंड इट वोंट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। लेकिन अगर अप टू 10 लाख है देन एंटायर इनकम विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ये जो सेक्शन है 115 BBDA बेसिकली कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का है, तो ये सिर्फ टैक्स रेट बता रहा है, लेकिन एग्जेम्प्ट है या नहीं है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 ही बताएगा। और 10 सबसेक्शन 34 में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि अगर 115 BBDA एप्लीकेबल हो गया तो 1034 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो 115 BBDA कब एप्लीकेबल होगा? जब डिविडेंड 10 लाख रुपए से ऊपर होगा तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एंटायर इनकम विल बी टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस, एंटायर इनकम, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा, जैसे ही टैक्सेबिलिटी आ गई वैसे ही TDS अंडर सेक्शन 194 कटेगा। कब कटेगा? जब वो एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी इज पेइंग डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख।
यही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली तीन सेक्शन है, 115 बीबीडीए, 10 सबसेक्शन 34 एंड टीडीएस का 194, हर चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। अब एक बात और पूछना चाह रहा हूं आपसे, पूरे इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है, अगर इनकम टैक्सेबल है तो उस इनकम को कमाने के लिए खर्चा माइनस होगा, लेकिन अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको कमाने के लिए खर्चा माइनस नहीं होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, पूरे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है। अब मुझे एक बात बताइए, इफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट तो उसको कमाने के लिए खर्चा माइनस नहीं होता है। तो इफ डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दिस डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर खर्चा ही माइनस नहीं होगा तो लॉस अराइज नहीं होगा। वैसे तो एक्चुअल लॉस हो सकता है, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पज देर इज नो लॉस, क्योंकि खर्चा आप माइनस करने नहीं दे रहे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्सेबल है लेकिन उस पर रेट ऑफ टैक्स कंसेशनल लगता है, तो 115 के जितने भी तमाम तरह के सेक्शन है उसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, चाहे रॉयल्टी की इनकम हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम हो, वहां पर सब जगह यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है तो उस इनकम को कमाने के लिए खर्चा माइनस नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन गवर्नमेंट यानी कि लॉ बना सकता है। एग्जम्प्ट इनकम में तो निश्चित है नहीं माइनस होगा, लेकिन अगर इनकम टैक्सेबल है लेकिन कंसेशनल रेट से है तब लॉ पढ़ना पड़ता है कि भैया खर्चा माइनस होगा या नहीं होगा, तो खर्चा माइनस नहीं होगा, यहां लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में। अगर खर्चा माइनस नहीं होगा तो लॉस अराइज नहीं होगा, अगर लॉस अराइज नहीं होगा तो सेट ऑफ की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे हेड से सेट ऑफ, दूसरा हेड में लॉस है, तो क्या इस डिविडेंड के साथ सेट ऑफ हो सकता है? वो भी मना किया है, वो भी नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ विद दिस इनकम। तो मैं कुछ यूट्यूब में देख रहा था, वहां पर कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दूसरा हेड का लॉस इसके साथ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, लिखा हुआ है भैया। क्योंकि अगर वो ये लिखना चाहता है कि ये वाला लॉस, ये डिविडेंड वाला लॉस, डिविडेंड वाला लॉस तो अराइज ही नहीं हो रहा है, तो कहानी खत्म। और इस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है बता ही चुका, एक्सीडिंग 10 लाख पे 10% है। डिविडेंड का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 22 में, जिसके 5 पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है ई, वो हमेशा से टैक्सेबल है, शुरू से। लोन और एडवांसेस फ्रॉम ए प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। तो ये है, क्योंकि यहां पर ब्लैक मनी या फिर गलत तरीके से अगर कंपनी से पैसा निकाला जाता है तो वहां पर उसको टैक्स किया गया है। अब मैं इसको अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ू तो पढ़ता हूं आपके साथ, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब बाकी जितने भी एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ उसको भूल जाइए, पहले यही पढ़िए आप। ए टोटल इनकम ऑफ ए स्पेसिफाइड एसएससी, हु आर स्पेसिफाइड एसएससी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए, ये याद रखिएगा, लिखना छोड़ भूल गया था, रेजिडेंट अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, यानी कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी के अलावा। इसका मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ, ये सारी तमाम चीज आएंगी, लेकिन सवाल उठता है कि फॉरेन कंपनी को 115 बीबीडीए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। यानी कि फॉरेन कंपनी, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिलायंस के कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर खरीदे हुए हैं, तो एक फॉरेन कंपनी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, तो दिस डोमेस्टिक कंपनी विल पेइंग डिविडेंड टू दिस फॉरेन कंपनी, तो उसको एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर फॉरेन कंपनी तो नॉन रेजिडेंट ही होता है और यहां लिखा हुआ रेजिडेंट, तो फॉरेन कंपनी को यह एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकता है, यस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। तो फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कब हो सकता है? व्हेन द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज होली और पार्शली इन इंडिया, तो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर रेजिडेंट हो गया तो फॉरेन कंपनी विल बी
अगर रेजिडेंट हो गया तो ये सेक्शन फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी लिखा हुआ है। क्या फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है? रूल 27, रूल 27, जहां पर मीटिंग, जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड इन इंडिया, अकाउंट्स आर मेंटेन इंडिया, डिविडेंड इफ डिक्लेयर शुड बी पेबल इन इंडिया। तो तीन कंडीशन है, वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। जैसे ही डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी, ये चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि एमसीक्यू आ जाए 115BBDA इज एप्लीकेबल टू ए फॉरेन कंपनी इफ रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, डोमेस्टिक कंपनी, अदर्स, किसी भी तरह से ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, इट माइट बी एप्लीकेबल, इट माइट बी एप्लीकेबल। फिर मैं ये बता ही चुका, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो ट्रस्ट 12A या 12AA में रजिस्टर करवाते हैं, उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, कंपनीज का मतलब एक से ज्यादा कंपनी से अगर आपको मिल रहा है डिविडेंड, और एग्रीगेट डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और टैक्स रेट आएगा, टैक्स रेट शैल बी 10% डिविडेंड माइनस 10 लाख, टोटल डिविडेंड माइनस 10 लाख। मान लीजिए 15 लाख मिल रहा है, 15 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर जब टैक्स निकालेंगे, उसमें 10 लाख माइनस करने के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए पर टैक्स रेट निकलेगा 10% के हिसाब से। ये मैं बता चुका, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर टू अर्न दिस इनकम इज अलाउड, नो अदर लॉसेस कैन बी सेट अप फ्रॉम दिस इनकम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट, हाउएवर डिविडेंड फॉलिंग अंडर सेक्शन 115BBDA इज नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट। लेकिन जब लिख रहा है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल। यानी कि मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट, एडोब इंडिया, ये सबके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस इनकम को कमाने के लिए, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी को, कंपनी के डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मैं कमा रहा हूं, और इसको कमाने के लिए मैंने खर्चे किए हैं या लोन लिया है जिसपे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, माइनस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जेम्प्ट है। और अगर मैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कमा रहा हूं, तो वो खर्चे मैं इसके साथ माइनस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज टैक्सेबल। क्लियर है? अब मैं डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कमा रहा हूं, लेकिन 12 लाख रुपया कमा रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा है, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर टैक्सेबल हो गया तो खर्चा इसमें माइनस कर सकता हूं मैं, इस इनकम को कमाने के लिए, और सर 115BBDA रोक देगा आपको। तो अप टू 10 लाख ये रोक देगा खर्चे माइनस करने से, 10 लाख से ज्यादा हुआ तो ये रोक देगा। क्लियर है? अब आइए, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%, 194। और ये कब, ये साफ साफ 194 में नहीं लिखा हुआ, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको दो कंपनी से मिल रहा है डिविडेंड, 10 लाख 10 लाख, तो दोनों कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी, कोई भी एक कंपनी, यानी कि जो कंपनी आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा दे रही है, वही टीडीएस काटेगी। अब ये हम लोग कर चुके आपके साथ, शेयर होल्डर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई फॉर्म, एजेपी, एलएलपी, अगर रेजिडेंट हुआ तो 115BBDA एप्लीकेबल हो जाएगा इफ द डिविडेंड एग्रीगेट ऑफ डिविडेंड एक्सीड्स 10 लाख। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया हुआ तो एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो नॉट एप्लीकेबल है। फिर डोमेस्टिक कंपनी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, नॉट एप्लीकेबल। एक छोटा सा ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, मुझे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है और मेरी महारत है इसमें, तो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन। मिस्टर एक्स रेजिडेंट अर्न्स फॉलोइंग इनकम और आर डैश ओ आर है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड से 11 लाख, बी लिमिटेड से 1 लाख। अब मुझे बताइए सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 का, इसमें डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज द एग्रीगेट ऑफ डिविडेंड एक्सीड्स 10 लाख, 12 लाख हो गया, 10 लाख से ज्यादा है। अब डिविडेंड फ्रॉम फॉरन कंपनी 5 लाख है, ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। ये 12 लाख भी टैक्सेबल होगा और ये 5 लाख रुपए भी टैक्सेबल होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इस इनकम को कमाने के लिए मैंने लोन लिया था,
और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इंटरेस्ट अमाउंट 10 लाख है, ये 10 लाख इस इनकम 12 लाख से माइनस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? 115 BBDA रोकता है। यही अगर मैं 15 लाख लिख देता तो एक्चुअली में तो लॉस है 5 लाख का या 3 लाख का, लेकिन इनकम टैक्स माइनस ही करने नहीं दे रहा, तो यहां से लॉस कभी भी अराइज नहीं होगा। नो लॉस कैन बी अराइज फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज इफ 115 BBDA इज एप्लीकेबल। उसके बाद इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी 50,000, ये 50,000 रुपया इस 5 लाख से माइनस हो पाएगा? यस। क्यों? क्योंकि 10 सबसेक्शन 34 का एग्जेम्पशन नहीं है, 115 BBDA एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, तो ये माइनस होगा। ठीक है। अब एक बात और पूछता हूं, ये आर डैश ओ आर लिखा मैंने, अगर मैं आर डैश एन ओ आर लिख देता तो क्या होता? आर डैश एन ओ आर तभी तो रेजिडेंट है, लेकिन फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता, ये तो टोटल इनकम का हिस्सा होता, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी या आर डैश एन ओ आर के केस में टैक्सेबल नहीं होता बिकॉज दिस इज अ पैसिव इनकम, बिकॉज दिस इज अ पैसिव इनकम। दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ आर डैश एन ओ आर ओनली वेन दैट इन डिविडेंड इज रिसीव्ड इन इंडिया, जो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है? तो अब एमसीक्यू का जमाना है, ये छोटे छोटे पॉइंट वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तो कोई भी किसी भी रेंज का क्वेश्चन आ सकता है। आगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज 40 लाख और इन लॉस अंडर द हेड बिजनेस 1 लाख। अब सवाल उठता है कि लॉस अंडर द हेड बिजनेस जो 1 लाख है, क्या वो सैलरी के साथ सेटअप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये इस डिविडेंड के साथ सेटअप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये 1 लाख रुपया का लॉस इस डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी के साथ सेटअप हो सकता है? यस, ये यहां पर सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर है? अब फिर कंप्यूट टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊं, जब भी कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका तो रेस्पेक्टिव हेड का अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, बाद में टोटल इनकम और बाद में लास्ट में टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए, तो पांचों हेड को अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U भी अलग कैलकुलेट कीजिए, लास्ट में टोटल इनकम कैलकुलेट किया कीजिए। ठीक है। अब जैसे अदर सोर्सेस, हमने डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी टोटल कितना है, 11 + 1 = 12 लाख, वो लिख लिया। फॉरेन कंपनी का 5 लाख, इसको कमाने के लिए खर्चा 50,000, 4.5 लाख। बिजनेस लॉस इसके साथ सेटअप हो सकता है, बिजनेस लॉस किसी भी हेड के साथ सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट सैलरी के साथ, और अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अपने ही हेड में सेटअप होगा। ठीक है। तो ये करंट ईयर का ही बिजनेस लॉस है, तो ये 1 लाख हमने सेटअप कर दिया, टोटल आ गया 12 + 3.5, अदर सोर्सेस 15.5 लाख। अब मैं टोटल इनकम कैलकुलेट किया, सैलरी प्लस अदर सोर्सेस इतना आ गया। क्लियर है? अब दिस टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 115 BBDA, तो मुझे टैक्स रेट जब निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 10 लाख माइनस करने के बाद 10%, तो 12 लाख में 10 लाख माइनस कर दिया, 2 लाख का 10%, 20,000 बची हुई इनकम है, तो इसमें 12 लाख माइनस करने के बाद बची हुई इनकम पे स्लैब रेट लगा दूंगा। फिर क्योंकि टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, एप्लीकेबल सरचार्ज रेट सेस, और लास्ट में टीडीएस माइनस करूंगा। और टीडीएस देखिए, हमने लिखा है कंप्यूट टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194। टीडीएस किस किस डिविडेंड से कटा होगा? ए लिमिटेड ने टीडीएस काटा होगा या बी लिमिटेड ने? ए लिमिटेड ने, बिकॉज द डिविडेंड एक्सीड्स 10 लाख, तो इसका 11 लाख का 10%, 1,10,000, 1,10,000 टीडीएस कटा होगा जो माइनस करना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और मैं आपको जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो क्लासेस हमारी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप उसको जरूर खरीदिए। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com में, हम लोग इनकम टैक्स की बुक PDF प्लस हार्ड कॉपी, GST Volume 1 Volume 2 PDF प्लस हार्ड कॉपी, और CS प्रोफेशनल का, CA इंटर, CA फाइनल, सब कुछ हम लोग सर्व करते हैं आपको। सो डू विजिट अवर वेबसाइट taxbykk.com। बाय बाय।